बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बू व तरज़ा लहू। कल मैंने ना एक एक्सीडेंट देखा लाइव ना, तो उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो आज मैं साथ जा रहा था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो ये मेरा डैश कैम लगा हुआ है, तो यहाँ से जो वीडियो बनती है फ्रंट व्यू, वो मैंने साथ अटैच कर देता हूँ, वो देखें। और साथ में वो वीडियो लगाऊँगा जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या सीन हो रहा था, क्या उसमें फर्दर क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसमें मसले मसाइल आते हैं। जरा चलते हैं फर्दर पार्ट की। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बू व तरज़ा लहू। थोड़ा सा कैमरा इधर का बात ये करनी है। ऐसा सीन होता है जिस चीज़ के बारे में बात करने लगा ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सीरियस है। साथ साथ आप फ्रंट का व्यू देखें डैश कैम का, और इंटरनल व्यू मुझे और एक्सटर्नल व्यू बाहर का रोड का। मॉर्निंग टाइम है यार, मैं आपको साथ वीडियो अटैच करूंगा, आप देखिएगा। अल्लाह हर किसी को बचा के रखे, अल्लाह हर किसी को हिफाजत करके रखे। एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद कोई सुनो सुनी नहीं, कोई मुक्का मुक्की नहीं, कोई किसी का सिर नहीं पाड़ रहा, कोई जनाजा मैं मार देंगा, मैं कर देंगा, वार देंगा, चीर देंगा, कोई ऐसा सीन नहीं। आई एम जस्ट going to explore something about Australia, what's happening here if two cars are crash for accident. दो गाड़ियां आपस में टकर जाती हैं, टकराव हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, क्यों आगे उनके फर्दर प्रोसीजर क्या होता है, क्यों वो आपस में कुछ नोक सुनी नहीं होते। पाकिस्तान में हल्की सी साइकिल लग जाए, हल्की सी गाड़ी लग जाए, हल्का सा कोई चीज लग जाए, जनाब सब बंदा गड्डी चो बाहर निकलता है, सिर पहले फाटिया होता। मैं साथ वीडियो लगाता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कैसे वो आराम सुकून से गाड़ियाँ टक्कर लगी हुई हैं, अच्छी बड़ी नीचे से पेट्रोल निकल रहा। अब मैं पूरी जूम करके गई, एक लड़की थी और दूसरे में दो लड़के थे, आराम सुकून से सिर्फ पिक बनी है, वीडियो बन रही है। अब होना क्या था, दोनों के लाइसेंस एक्सचेंज होने थे, पिक लेनी थी, इंसीडेंट की पिक बनानी थी, इंसिडेंट की पिक बना के उन्होंने अपनी इंश्योरेंस को रब्ता करना था, इंश्योरेंस से रब्ता करना था, और जनाब साहब इंश्योरेंस ने उनका मामला सॉर्ट आउट कर देना था। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं आई, कोई चाहे आगे BMW है, मर्सिडी है, चाहे आगे लैम्बोर्गिनी है, चाहे आगे रेंज रोवर है, डजंट मैटर। एक साइड पर चाहे $2,000 वाली गाड़ी है, एक साइड पर चाहे $1,00,000 वाली गाड़ी है, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं। टच हुई है, छोटा सा एक्सीडेंट है, बड़ा एक्सीडेंट है, डजंट मैटर, डोंट केयर अबाउट द एक्सीडेंट, जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो बर्दाश्त भी अपने अंदर पैदा होनी चाहिए, रखनी चाहिए, और जो अदम बर्दाश्त है ना वो बहुत नुकसानदेह है। पाकिस्तान में भी अदम बर्दाश्त की इंतहा से ज़्यादा कमी है, इंतहा से ज़्यादा। हल्का सा गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर गई, अब बस जी उन गए, उन जाके फायरिंग होगी, अगे जाके ला देंगे, यह कर देंगे, जे को छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले दे, जो बड़ी गाड़ी वाला होगा ना वो छोटी गाड़ी वाले को या छोटी अपने से छोटे नीचे स्टेटस वाले को समझेगा कुछ नहीं। आपको पता ना वो एक KPK में वाकया हुआ था, वो फॉर्चुनर पे था, फॉर्चुनर उसने आगे जनाब साहब उसको नीचे दे दिया, उसको क्या कहते हैं वार्डन वाले को उसने नीचे गाड़ी के नीचे दे के मार दिया था, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो कहने का मतलब ये यार ऐसा सीन, अल्लाह ना करे, अल्लाह हर किसी को पहले यही दुआ करता हूँ बचा कर रखे, हफाजत रखे। कल मैं जा रहा था ताहा के साथ ना, तो मैंने देखा एक्सीडेंट हुआ, मैंने आज तक ऐसे लाइव नहीं देखा था ना, वो उनकी टक्करें लगी हैं, दोनों राम सुकून से उतरे हैं, उनने उनकी वीडियो बनाई है, पिक बनाई है, दोनों एक दूसरे के लाइसेंस की पिक ले रहे थे, और अपनी इंश्योरेंस का बता रहे थे एक दूसरे को, ये मेरी इंश्योरेंस है, वो उसको बता रहा था। तो उनने क्या करना था, अपनी अपनी इंश्योरेंस को बताना था, उनको वीडियो भेजनी थी, उनको उनने पिक भेजनी थी, उन्हें बताना था ये मेरी इस बंदे की गलती है, जिस बंदे की गलती है उसकी इंश्योरेंस वाले ने दूसरे बंदे की गाड़ी ठीक करवा के देनी है, और क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा उसने क्या कहते हैं एक्सेस डाल देना, उससे थोड़े से पैसे $1,500-2,000 ले लेना, बाकी चाहे वो $10,000 की गाड़ी ठीक हो, $20,000 की हो, $15,000 की हो, $70,000 की हो, वो जनाब साहब इंश्योरेंस वाले ने करवा के देनी है, उनकी जान को कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ थोड़ी बहुत उसमें हो सकता एक्सेस, अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आपने जो सिग्नेचर किए हो, वो आपको एग्रीमेंट दिया था उस पर लिखा होता है, तो उसको दे के उसमें थोड़ा बहुत हो सकता, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्सेस पड़ जाए, एक्स्ट्रा पैसे पड़ जाए, लेकिन नॉर्मल यही होता 1,500-2,000, इससे ज़्यादा नहीं होता।
लेकिन ये कि कुछ इंश्योरेंस के एक्स्ट्रा होते हैं, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द रूल्स, डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट, आपने कौन सा एग्रीमेंट किया है, तो क्या सीन है उसका, एक्सेस कितना बढ़ना है। तो ये देखिए इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको आप साथ लेके चलें तो आपके मुल्क में कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैं देख रहा था, मैं कहता हूँ 4 घंटे उसी बात बड़ा गंदा एक्सीडेंट हो गया। पेट्रोल निकला गाड़ी से, अल्लाह माफी दे आगे ना लगे। पेट्रोल पंप ये देखें गाइस, ऐसे होता है एक्सीडेंट। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो देख लें, कोई मसला मसाइल नहीं, कोई होता है ना कोई लड़ाई, कोई बस वीडियो बन रही है, तस्वीरें बननी है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय टाटा। ये ऐसे सारे लोग देख रहे हैं। ये है लखंबा चौक वाली पार्क, ये देखें ये तस्वीरें बना रही है लड़की, वीडियो बना रही है, कुछ भी नहीं बस ऐसे वीडियो बननी है। गलती इस लड़के की है क्योंकि वो लड़की का रास्ता था और लड़के ने जगह नहीं दी। मैं सोचता था, मैं कहा काश काश हमारे कंट्री में भी ऐसा होता कि अल्लाह ना करे हो नहीं है एक्सीडेंट, 100 भी नबी हो जाती, अल्लाह ना करे ऐसा वैसा कोई सीन हो जाए तो यार लड़ाई ना हो, कोई किसी को जनाजा शुरू ना करे, कोई किसी को सुनने ना मारे, राम स्कूल से जी ब्रदर कोई टेंशन नहीं, हम कर लेंगे यार, ये अपने इंश्योरेंस का ये अपना लाइसेंस दे, दोनों पिक ले, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अल्लाह माफी दे, हल्की चरीट बजे, तेनू पता 20,000 का बंपर है, तेनू पता 40,000 का, तेरी मोटरसाइकिल किन्ने की है, तेरी उन्नी मोटरसाइकिल नहीं जिन्ने का बंपर है। इस तरह की गल्ला सुना के बंदे वैसे ही थ्रैट किया हों तो बंदा वैसे ही टेंशन च आ जाता यार होया की है मेरे ना। चलो अल्लाह ताला हर किसी को अपने मान में रखे, तो इसके लिए ना सोचना चाहिए हमें खुद भी, और हमारे कंट्री के जो बड़े नमूने हैं ना उनको भी सोचना चाहिए, कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन लेके आने चाहिए। मैं तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता हूँ, ये अल्लाह हमारे कंट्री को ऐसा बना कि हमारे बाहर के कंट्री में ना जाना पड़े। लेकिन ये कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो बता रहा था भाई जान पासपोर्ट इतना क्रश हो गया ना, पासपोर्ट ऑफिस में इतना क्रश है ना, इतना क्रश हो गया ना, 99.99% नहीं 1000% पाकिस्तानी मुल्क से निकलना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं। और जो पासपोर्ट पहले था ना नॉर्मल 1 मंथ में आ रहा था, अब वो 6-6 मंथ में 7-7 मंथ में आ रहा है, क्योंकि बर्डन इतना बढ़ गया, उनको समझ नहीं आ रही इतनी। मैं कहता पेपर कम हो गए हैं जो पाकिस्तान में पासपोर्ट के पेपर और चाइना से आते हैं पाकिस्तान में तो बनते नहीं, वो चाइना से मंगवाने पड़ रहे हैं। आप खुद आइडिया लगाएं क्या हालात कर दिए हैं इन इन कंजरों ने, क्या हालात कर दिए हैं। किस चाहे तो हम किस साइड को जाएं, नॉर्थ जाएं, ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, बताएं जाएं तो जाएं किस साइड को जाएं, हमारी वाम किस साइड। पाकिस्तानियों अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारी हमारी हमारे हाल पर रहम करे, फजल करे, अपनी करम नवाजी करे, अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर करे। हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला ज़ालिम हुक्मरानों को हमारे ऊपर से दूर कर दे या अल्लाह, और जो हुक्मरान लेके आ वो रहम दिल हो, नेक हो, नमाजी हो, जो कि कम से कम हमारे मुल्क का सोचे, हमारे कंट्री का सोचे, ना कि सिर्फ अपनी नस्लों का और अपने बच्चों का सोचे। क्या बताऊं यार, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ इस वजह से, दुआ ही करता रहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह कभी ना कभी तो एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर।